इतने दिन से वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा ना, कुछ रिप्लाई कर रहा मैसेजेस का, मुझे लगा कुछ करवर ना ले, तुमने उसको इतना परेशान कर रखा है। मेरा दिमाग खराब है क्या? मेरा दिमाग क्यों खराब है? तूने उसको इतना डिप्रेशन में डाल रखा है, बताओ ना। अभी 2 मिनट में तेरे साथ क्या होगा? क्या मेरे साथ क्या होगा? मेरे किस कि मेरे उसको परख रही है क्या? अगर मेरे से लड़ाई हो रही है मेरे साथ ना, बात तो नहीं कर मत पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल तहलका प्रैंक में। आज बहुत तगड़ा तहलका मचेगा घर में, क्योंकि एक लड़की आने वाली है और वो कलेश काटने वाली है। सन्नी के साथ मैं घूमी हूँ, फिरी हूँ, शॉपिंग करी है सन्नी के साथ मैंने। सन्नी ने शॉपिंग करवाई है मेरे को और वो मेरा प्यार है। तुम उसको परेशान रखती हो, तुम उसकी बीवी हो, तुम बीवी के लायक हो ही नहीं, ऐसी वो बातें करने वाली है और घर में घुस के कलेश काटने वाली है। घर का नीचे का मेन गेट खोल दिया मैंने, दोस्त की फ्रेंड आने वाली है, सारा खेल समझा दिया, यही प्रैंक है। बहुत तगड़ा मजा आएगा आपको देखना। अब आप सही है, मैं बाथरूम में और वो एंट्री मार चुकी है। सही है, लड़की आ गई है, तहलका बहुत तगड़ा मचेगा, कलेश होगा। मैं वो सनी से मिलने आई हूँ। सनी से क्यों मिलने? किससे? क्यों मेरे को मिलना है उससे? किसने मिलना क्यों? अब आपका भाई बाहर जा रहा है, वो बहुत तगड़ा कलेश चल रहा है। सही है, अपने में ही अपने, तुम्हारे लिए वो इतना सब कुछ करता है तब भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है उसकी ना कुछ है। क्या बोल रही? क्या 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 मेरे को क्या कह रही है? परवाह नहीं है। किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पे? यहाँ किसने बुलाया तुम्हें? मैं खुद आई हूँ, मुझे इतने दिन से वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा ना, कुछ रिप्लाई कर रहा मैसेजेस का, मुझे लगा कुछ करवर ना ले, तुमने उसको इतना परेशान कर रखा है। मेरा दिमाग खराब है क्या? मेरा दिमाग क्यों खराब है? तूने उसको इतना डिप्रेशन में डाल रखा है। क्या बोल रही है ये? कौन है ये? कौन है ये? हाँ तो ऐसी मारती हो क्या अपने पति को? बताओ हमें, बोलो ना। बताओ हमें, बोलो ना। ऐसी मारती हो तू? घर में आ रही है मेरे? क्यों तुम मुझे क्यों कहोगी? इतना ऑलरेडी परेशान कर रखा है, और कितना परेशान करोगी ये बताओ ना। अरे क्या बोल रहे? नोना बोना हाथ हाथ क्यों लगा रही उसको? तू कौन है हाथ भी लगा देगी? तो ऐसे कोई अपनी वाइफ ऐसे हाथ लगाती है तभी वो हाथ लगाऊं चाहे कुछ भी करूं, तू कौन होती है? कोई भी होती हूँ, तू क्या है? तू क्या है? उसको हाथ कैसे लगा रही है? पता क्या हूँ मैं उसकी? क्या हूँ? ठीक है तू वाइफ है, ऐसी वाइफ ना ही हो तो ठीक ही है, ना ही हो तो ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई थी, मैं परेशान चल रहा था कुछ दिन पहले तेरा मेरा क्लेश। क्या वो नहीं है? क्या इससे किसने बातें कर रखी हैं आपने? इसने मेरा दर्द नहीं 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 ये सही है, अपनी जगह सही है, इसने मेरा दर्द समझा, अपनी जगह सही है, इसने मेरा दर्द समझा। मेरे सामने कुछ बोल मत लेना, मैं फाड़ दूंगी आपको बीच में से, समझ में आ गई? बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। इसने मेरा दर्द समझा था, मैं मूवी देखने गई थी, बता दिए। मैं बताता हूँ, मैं रोया था इसके आगे, मैं रोया था इसके आगे, मैं परेशान था कुछ दिन पहले, मैं मरने वाला था, मैं मरने वाला था। मैंने सुबह मैंने मैसेज करके बोला था कि मेरा हेल्प कर। क्या करा ऐसा मैंने? हैं? क्या कर दिया मैंने ऐसा? कलेश हुआ था हमारे बीच में, तेरे को पता उस चीज़? कलेश हुआ था, लड़के को मान लगे और तू सपोर्ट कर रही है इस चीज में? तो करूंगी नहीं क्या? कोई ऐसे आएगा इतना परेशान है, मुझे दिख रहा था वो कितना ज्यादा परेशान है, मुझे दिख रहा था वो कितना ज्यादा परेशान है। तेरे को ये नहीं पता उसकी बच्ची है, उसका परिवार है, तो उसको सपोर्ट कर रही है इस चीज में, उसको ये नहीं कर रही? क्यों ना करूं? घर में कलेश होते रहते हैं तो किस टाइप की? क्या छोड़ते क्यों नहीं उसको? क्या कह रही है? तेरे को छोड़ते ना चाहिए ऐसे इंसान। क्या मत दिखा? कुछ नहीं, मैं उसको कह रहा था। क्या क्या मत दिखा? क्या तो क्या दिखाने से बोला? क्या मेरा फोन दो, ये कवर है ना जो इसने दिलाया उससे बात करने आई हूँ, इतने दिन से मेरा कॉल नहीं उठा रहा, मुझे लगा फिर से क्या उसने कुछ कर दिया। अभी 2 मिनट में तेरे साथ क्या होगा? क्या मेरे साथ क्या होगा? मेरे किस कि मेरे उसको परख रही है क्या? अगर मेरे से लड़ाई हो रही है मेरे साथ ना, बात तो नहीं कर मत पे। मैं क्यों जाऊं इतने हाथ चला।
मारी है, ऐसी मारती हूं। इसी तरीके से मेरे को डंडे से खुद बोल रहे, खुद बोल रहे, आप देख ले। इसी तरीके से डंडे से मारती है मेरे को ये। इतना कोई झूठ तो नहीं बोलेगा ना, इतना परेशान है वो। खिलाया था बर्गर में। बुला लिया ना अपने घर वालों को, दोनों का नक्शा बदलवा दूंगी मैं, दोनों का नक्शा बदलवा दूंगी मैं। खिलाया था मैं नहीं, मैं बताता हूँ सच्चाई, मैंने खिलाया था बर्गर, मैंने दिलवाया फोन, मैं दिखा के लाया था चार्ली 777 मूवी। अब बता इसके अंदर मैंने क्या गलत करा, मैंने क्या, मैंने तुम्हें ये वर्माला डाली, क्या मैंने तुम्हें ये वर्माला डाली? मैं क्यों ना रहूं उसके साथ, वो बंदा जब मुझे मूवी दिखा रहा है फोन, क्या मिला रहा है ये सब रहूं? तो मैं तो उसके साथ रहूंगी, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तू उसको इतना परेशान करती है तो कोई तो उसके सपोर्ट में होना चाहिए, वो कहां जाएगा? मूवी देखने जाऊंगा वेगास मॉल, और कहां जाऊंगा, राहुल गंगवानी का मॉल है वहां जाऊंगा, और कहां जाऊंगा। पर इसी बात को लेकर वो प्रैंक कर रहे, दोस्त दोस्त की फ्रेंड है वो, ये कैमरा वहां लगा। मार तू भी सर मार, हां छोड़ो, आजा बढ़िया कैमरा की तरफ, सर मार, सर मार, आजा सर मार, तू सर मार, सर जी WWE करो, तुम्हारी औरतों का यही तो चक्कर है, एक बार कोई दिख जाए तो मैं तो मन करता है कि ना ना अगली बार मेरे पे प्रैंक होगा ना ऐसे, मैं आपको फाड़ दूंगी। नहीं एक बार एक काम कर, तू देखो कल प्रैंक नहीं करना, नहीं तू सर फाड़ करेगा, मैं तुम देखूंगा, औरतों को दे दो ना सर मार दे दूसरे को, मार दू। अरे मुझे ना कोई प्रैंक नहीं चाहिए, समझ में आई ना, सबका होना किस्मत का गलत बात है, दोस्तों तहलका बहुत तगड़ा मर गया, तहलका मैं तारूंगा, बार बार तारूंगा, तू एक बार सर मारती रहते अंदर दीवारें मार, तू परेशान हो गया ना, मार दीवार में सर। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तहलका मचाता है ये, तहलका मचाए।